क्या भाई राहत है, बहुत ही अच्छी राहत देखने को मिल रही है इससे। मैं इसको ऑन करता हूँ, ये पहली स्पीड में, पहली स्पीड पर ही आप देख सकते हैं कितना हवा दे रहा है। ये दूसरी स्पीड है, ये इसकी तीसरी स्पीड है, ये इसकी चौथी स्पीड है और ये इसकी पांचवी यानी कि टॉप स्पीड है। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा गर्मी का माहौल हो चुका है और यही गर्मी के माहौल को ठंडा करने के लिए मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ एक छोटा सा फ़ैन। ये एक मिनी फ़ैन है जिसको आप बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं और इस फ़ैन को मैं यूज कर चुका हूँ तो सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ भाई कि ये जो फ़ैन है आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और सबसे बढ़िया चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, मात्र 550 रुपये में ये आपको ऑनलाइन देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके का बॉक्स आपको देखने को मिल जाता है, फ्रंट साइड में लिखा हुआ है X5 LED डिजिटल डिस्प्ले फैन, यानी कि इसमें आपको डिजिटल डिस्प्ले भी देखने को मिल जाती है जिसमें इस फैन की आप बैटरी वगैरह देख सकते हैं। X5 मतलब इसमें आपको 5 स्पीड मोड देखने को मिल जाते हैं और पीछे की साइड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 कलर वेरिएंट में आपको देखने को मिलता है। पहला जो आप देख रहे हैं ये है व्हाइट कलर जो कि मेरे पास है, दूसरा है पिंक एंड तीसरा जो है इसमें आपको ब्लू कलर में भी देखने को ये मिल जाता है। तो जैसे हम बॉक्स को ओपन करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले भाई हमें ये फैन देखने को मिलता है और भाई ये देख सकते हैं जो फैन है काफी छोटा सा फैन है, बट इसकी साइज पर मत जाइएगा भाई, जो इसकी हवा है वो काफी जबरदस्त है। फैन के अलावा अगर हम देखें बॉक्स के अंदर तो यहाँ पर हमें एक इसका स्टैंड देखने को मिल जाता है और इसके अलावा यहाँ पर आपको एक स्ट्रैप देखने को मिल जाती है जिसे आप ऐसे गले में डालकर और उसको फैन को डाल सकते हैं। इसके अलावा इस फैन को चार्ज करने के लिए हमें एक छोटी सी चार्जिंग केबल मिल जाती है, USB चार्जिंग केबल है, टाइप सी चार्जिंग केबल है। बस बॉक्स में इतना ही कुछ देखने को मिल जाता है, यूजर मैनुअल इसमें देखने को नहीं मिला और आपको जरूरत भी नहीं है। तो दोस्तों फाइनली बात करते हैं अपने इस फैन के बारे में, आप देख सकते हैं कितना छोटा सा ये फैन है, बट यहाँ पर फैन के साइज पर मत जाइएगा भाई क्योंकि इसकी जो हवा है वो काफी बढ़िया लगती है। अगर हम यहाँ फैन की बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो भाई मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 550 रुपये में मेरे को इतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल जाएगी। प्लास्टिक मटेरियल से बना हुआ है पूरा का पूरा फैन, बट जो प्लास्टिक है उसकी जो क्वालिटी है वो वाकई में काफी अच्छी है। 3 पंखड़ी वाला ये हमारा फैन देखने को मिल जाता है, ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन में आपको ये देखने को मिल जाता है और ये जो फैन है आप इसको ऐसे 90 डिग्री पर फोल्ड भी कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके से ये फोल्ड हो जाता है और बीच में भी ये रुक जाता है, जहां आप रोकना चाहें वहां रुक जाता है। अब यहां पर देखेंगे तो इस फैन को ऑन करने के लिए आपको फ्रंट साइड में एक बटन दिया हुआ है, जैसे आप इसको प्रेस करते हैं तो ये आप देख सकते हैं ये इसकी पहली स्पीड है और यहां पर आपको एक डिजिटल डिस्प्ले मिलती है जैसे कि मैंने आपको बताया था। यहां पर आप इसका बैटरी का परसेंटेज भी देख सकते हैं, कितने परसेंटेज इसकी बैटरी बची हुई है। अब यहां पर अगर अगेन इसको आप प्रेस करते हैं तो ये जिसकी दूसरी स्पीड है, ये तीसरी स्पीड है, ये इसकी चौथी स्पीड है और ये इसकी पांचवी स्पीड है। तो इसमें टोटल आपको 5 स्पीड देखने को मिल जाती हैं और भाई वाह क्या बात है, मतलब इसको आप अपनी टेबल पर रखकर बहुत अच्छी तरीके से इससे हवा ले सकते हो। और अभी मेरे रूम में कोई भी फैन वगैरह नहीं चल रहा है और ये चलाने के बाद थोड़ी सी मेरे को राहत मिली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे अगेन प्रेस करेंगे तो ये बंद हो जाता है और इसको चार्ज करने के लिए यहाँ पीछे की तरफ आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है और नीचे की तरफ से कुछ इस तरीके का है। तो यहाँ पर ये जैसे कि मैंने आपको बताया इसके साथ एक इसका स्टैंड भी देखने को मिलता है, तो उसको कुछ इस तरीके से इसमें लगाकर आप इसको स्टैंड पर भी रखकर यूज कर सकते हैं। अगर आप लैपटॉप पर काम कर रहे हैं, आप कुछ भी काम कर रहे हैं, टेबल पर इसे रखकर आप यूज कर सकते हैं और इसकी जो हवा है काफ़ी सफिशियंट है, काफ़ी दूर तक इसकी जो है हवा लगती है। जैसे मैंने ये अभी इतनी दूरी पर रखा हुआ है, लगभग अपने फेस से 1 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है और यहाँ तक इसकी बहुत अच्छी हवा आ रही है। ये कहने की बात नहीं कह रहा हूँ मैं कि वीडियो बना रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ, अपने पैसों से खरीदा है, इसकी जो हवा है वाकई में काफ़ी बढ़िया है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसकी दूसरी चीज़ की तो ये जो आप स्टैंड देख रहे हैं ये काफ़ी कमाल का है क्योंकि इस स्टैंड पर आप इसको एज ए फोन स्टैंड की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो अपने टेबल पर रखिए और इस पर अपना फ़ोन रखिए कुछ इस तरीके से और इससे आप 2 काम एक साथ कर सकते हैं, हवा खा सकते हैं, साथ ही साथ फ़ोन रखकर मूवी का आनंद भी ले सकते हैं। तो भाई यहाँ पर एक फ़ैन ही नहीं है, ये एक फ़ोन स्टैंड की तरह भी काम करेगा। तीसरी चीज़ यहाँ पर आप कंपनी कहती है कि ये जो स्ट्रैप है इसमें आपको लगाकर और इसको अपने जैसे गले में टांग कर भी इससे अपनी हवा ले सकते हैं, जैसे किचन वगैरह में काम कर रहे हैं तो इससे अपनी हवा ले सकते हैं। बट मेरे को ये थोड़ा सा ऐसा लगा कि हाँ किचन वगैरह में काम करने पर ये गले में लटका कर इतना अच्छे तरीके से काम नहीं करता, उसका भी एक रीज़न है। जब हम
इसको अपने गले में लटकाते हैं और इसको ऐसे 90 डिग्री या 45 डिग्री पर इसको रोटेट करके इससे हवा लेने की कोशिश करते हैं, तो ये तिरछा हो जाता है, कभी इधर हो जाता है कभी उधर हो जाता है। तो मतलब हाँ ले सकते हो हवा, बट जैसे आप हिलोगे इधर उधर तो ये थोड़ा सा इधर उधर गिर जाता है, तो वो मेरे को इतना यूजफुल नहीं लगा है। हाँ ये मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि आप ये जो है काफ़ी पोर्टेबल फ़ैन है और पोर्टेबल के साथ साथ ये हवा भी अच्छी दे रहा है। मतलब ऐसे मैंने फ़ैन देखे हैं जो पोर्टेबल हैं पर वो हवा नहीं देते, बट ये पोर्टेबल के साथ साथ ही आपको एक अच्छी हवा भी दे रहा है। तो आप इसे आराम से पॉकेट में रख कर भी कहीं भी ले जा सकते हैं, ऐसे ट्रैवल वगैरह कर रहे हैं, ट्रेन वगैरह में हैं, वहाँ पर इससे हवा ले सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं इसकी मेन चीज़, यानी कि इसकी बैटरी बैकअप चार्जिंग वगैरह क्या है। तो देखो कंपनी क्लेम करती है कि 20 मिनट में ये जो है फुल चार्ज हो जाता है, और ये आपको लगभग अगर आप उसको फर्स्ट स्पीड पर चलाते हैं तो ये आपको 11-11 घंटे का बैटरी बैकअप दे सकता है, बट ऐसा नहीं है भाई। मैं बताता हूँ आपको रियल, मैंने इसको बिल्कुल डिस्चार्ज कर दिया था, 0% इसकी बैटरी बिल्कुल बंद हो गया था ये। मैंने इसको चार्जिंग पर लगाया और इसको चार्ज होने में 1 घंटा 40 मिनट लगे थे, मतलब फुल चार्ज होने में 1 घंटा 40 मिनट। और फिर मैंने इसको यूज किया, ये आपको लगभग 1.5 घंटे तक का आराम से बैटरी बैकअप दे देगा। और यहाँ पर बैटरी बैकअप मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा है 1.5 घंटे का। और एक चीज़ और मेरे को अच्छी लगी, इसकी जो बैटरी है अगर 5% भी बची है, 2% भी बची है, उतनी ही हवा देता है जितनी 100% पर दे रहा है। तो मतलब इसकी स्पीड में कोई भी कमी नहीं आती है, या 100% चार्ज हो या 2% चार्ज हो, जब तक ये बंद नहीं हो जाएगा, जब तक ये फुल आपको हवा देने वाला है। तो ये चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगी इस फैन की। इसके अलावा एक और चीज़ जो मेरे को अच्छी लगी है भाई, कि अगर इसकी जो बैटरी है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है तो आप इसको डायरेक्ट पावर बैंक से या फिर डायरेक्ट बोर्ड वगैरह में भी लगाकर इसको यूज कर सकते हैं। मतलब कुल मिला के 550 रुपये में ये पावर पैक मेरे को फ़ैन लगा है। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लेना, और चैनल पर पहली बार हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं एक और ऐसी मज़ेदार वीडियो के साथ, जब तक के लिए रखना ख्याल। जय हिंद।